हेलो फ्रेंड, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए लेके आई हूँ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं आरोग्य विभाग भर्ती के वेरियस पोस्ट के लिए, जैसे कि लैब साइंटिफिक ऑफिसर, लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट आदि सभी पोस्ट के लिए। फ्रेंड, यह वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं जो एमसीक्यू आपके करवाने वाली हूँ यह 2017 में लैब असिस्टेंट के पोस्ट के लिए जो क्वेश्चन पेपर थी उस क्वेश्चन पेपर से मैंने यह एमसीक्यू लिए है। स्टार्ट करती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस आर नेसेसरी टू बी ऑब्जर्व व्हाइल हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपल। स्टैंडर्ड प्रिकॉशन हम किस सैंपल कलेक्शन के लिए यूज करते हैं, यूरिन, ब्लड, स्टूल या नन ऑफ अबाव? इसका करेक्ट आंसर है ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ब्लड इज रिक्वायर्ड फॉर VDRL टेस्ट? VDRL टेस्ट के लिए कितना ब्लड रिक्वायर्ड होता है, 3 ml, 8 ml, 10 ml या 20 ml? इसका करेक्ट आंसर है 3 ml। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस विच ऑफ द ब्लड कलेक्शन ट्यूब आर यूज? सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए कौन सी ब्लड कलेक्शन ट्यूब यूज की जाती है, प्लेन, फ्लोराइड, EDTA या हिपारिन? इसका करेक्ट आंसर है प्लेन ट्यूब हम यहाँ यूज करते हैं सीरोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए, जिसमें कोई भी एंटीकोगुलेंट ऐड नहीं होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सैंपल आर प्रोसेस्ड इन रूटीन क्लिनिकल लैबोरेटरी? रूटीन क्लिनिकल लैबोरेटरी में कौन सा सैंपल प्रोसेस्ड किया जाता है, ब्लड, यूरिन, स्टूल या ऑल ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सभी सैंपल है जो रूटीन क्लिनिकल लैबोरेटरी में प्रोसेस्ड किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लिनिकल लैबोरेटरी मे हैव फॉलोइंग सेक्शन। क्लिनिकल लैबोरेटरी में ये फॉलोइंग सेक्शन हो सकते हैं, कौन से? क्लिनिकल पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ऑल ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। ये सभी सेक्शन होते हैं एक क्लिनिकल लैबोरेटरी में। इसके साथ साथ आपको पता है हिमाटोलॉजिकल भी हो सकता है, सीरोलॉजिकल भी हो सकता है, हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन भी होता हो सकता है। ये सभी सेक्शन आते हैं किसमें, क्लिनिकल लैबोरेटरी में। इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्किंग टेबल ऑफ द लैबोरेटरी शुड बी क्लीन एंड डिसइंफेक्टेड यूजिंग। वर्किंग टेबल जो होता है हमारे लैबोरेटरी में वो किससे क्लीन किया जाता है या डिसइंफेक्ट किया जाता है, 2% ग्लूटराल्डिहाइड, 20% सल्फ्यूरिक एसिड, 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट, 2% बीटाडीन? इसका करेक्ट आंसर है 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड के कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड लास्ट के कुछ वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बनाया था जिसमें किसी अपने ऑडियंस को क्वेश्चन था कि 1% होता है या 10% होता है, किसी रेफरेंस में उन्होंने पढ़ा था 10% होता है, तो 10% गलत आंसर है, 1% इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस देखे हैं जिसमें 1% ही हाइपोक्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विडाल टेस्ट इज डन फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच डिसीज? विडाल टेस्ट किस डिसीज के डायग्नोसिस के लिए यूज किया जाता है, वेल्स डिसीज, टीबी, कॉलेरा या टाइफॉइड? इसका करेक्ट आंसर है टाइफॉइड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर कल्टीवेशन ऑफ फंजाई विच मीडियम इज यूज? फंजाई के कल्टीवेशन के लिए कौन सा मीडियम यूज किया जाता है, सबऑर्डर मीडियम, एलजे मीडियम, ब्लड अगार या रॉबर्टसन कुक्ड मीट मीडियम? इसका करेक्ट आंसर है सबऑर्डर मीडियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय? डेंगू किससे ट्रांसमिट होता है, कंटेमिनेटेड वाटर, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बाइट ऑफ मॉस्किटो या बाइट ऑफ सैंड फ्लाई? इसका करेक्ट आंसर है बाइट ऑफ मॉस्किटोज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्स आर रिक्वायर्ड इन प्रिपरेशन ऑफ दीज कल्चर मीडियम। एग्स रिक्वायर्ड होता है किसके प्रिपरेशन में या किस कल्चर मीडियम के प्रिपरेशन में, एलजे मीडियम, ब्लड अगार, सबऑर्डर मीडियम या रॉबर्टसन कुक मीट मीडियम? इसका करेक्ट आंसर है एलजे मीडियम। एलजे मीडियम में एग्स रिक्वायर्ड होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अपीयरेंस ऑफ माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ ऑन एलजे मीडियम इज? टाइम कितना रिक्वायर होता है माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एलजे मीडियम में, 24 to 48 hours, 48 to 72 hours, 10 to 15 days, 2 to 3 months?
इसका करेक्ट आंसर है 10 to 15 days टाइम रिक्वायर होता है माइकोबैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एल्जे मीडियम में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमनली यूज सॉलिड कल्चर मीडियम इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी. माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में कौन सा मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सॉलिड कल्चर मीडियम होता है? ब्लड अगार, न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, पेप्टोन वाटर या ग्लूकोज ब्रॉथ? इसका करेक्ट आंसर है ब्लड अगार. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट स्टेनिंग मेथड इज यूज फॉर. अल्बर्ट स्टेनिंग मेथड किसके लिए यूज की जाती है? स्टैफिलोकोकस, डिप्टेरिया, स्ट्रिप्टोकोकाई या माइकोबैक्टेरिया? इसका करेक्ट आंसर है डिप्टेरिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यूज एज अ डीकलराइज इन मॉडिफाइड ZN स्टेनिंग मेथड इज. डीकलराइजेशन एजेंट कौन से कॉन्सेंट्रेशन में यूज किया जाता है? 10, 20, 30 या 5? इसका करेक्ट आंसर है 20. फ्रेंड एक IMP नोटिस है आपके लिए. मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं जिसमें वायरोलॉजी, वेक्टर एंड डिसीज आदि, पैरासाइटोलॉजी ऐसे सब्जेक्ट के नोट्स है. उसके साथ साथ आज तक जितने भी मैंने MCQ के वीडियो बनाए हैं वो पूरे MCQ उसमें आने वाले हैं. ये सभी नोट्स मैं आपको PDF फॉर्मेट में देने वाली हूँ. सिर्फ आपको 49 rupees पे करना है, जिसके डिटेल कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है, इसके डिटेल मैंने टेलीग्राम चैनल पे दे रखी है. टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वह डिस्क्रिप्शन में है. डिस्क्रिप्शन में जाके जिस किसी को भी नोट्स चाहिए नोट्स आप परचेस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज न्यूट्रल देन द pH विल बी. सॉल्यूशन की pH अगर न्यूट्रल है तो वह pH क्या होती है? 5, 6, 7 या 8? इसका करेक्ट आंसर है 7 pH होती है जब सॉल्यूशन की pH न्यूट्रल होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डबल स्ट्रैंडेड. कौन सा डबल स्ट्रैंडेड होता है? tRNA, mRNA, rRNA या DNA? बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जो कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आता है, माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ाया जाता है. इसका करेक्ट आंसर है DNA. DNA होता है डबल स्टैंडर्ड, बाकी सभी सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन सिंथेसिस ऑकर्स इन. प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गॉल्गी बॉडीज या राइबोसोम? इसका करेक्ट आंसर है राइबोसोम से प्रोटीन सिंथेसिस होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज वाटर सोल्यूबल विटामिन. कौन सा वाटर सोल्यूबल विटामिन है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ई? इसका करेक्ट आंसर है विटामिन बी. विटामिन बी होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए इज प्रेजेंट इन. डीएनए किस में प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या साइटोप्लाज्म? इसका करेक्ट आंसर है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी डिफिशियंसी इन अ चिल्ड्रन कॉजेस. विटामिन डी डिफिशियंसी जो चिल्ड्रन में कॉज होती है उसे क्या कहा जाता है? रिकेट, नाइट ब्लाइंडनेस, कर्वी या पेलाग्रा? इसका करेक्ट आंसर है रिकेट्स. रिकेट्स कहा जाता है विटामिन डी डिफिशियंसी इन अ चिल्ड्रन को. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शियस वेस्ट इज डिस्कार्डेड इन विच बैग. इन्फेक्शियस वेस्ट किस बैग में डिस्कार्ड किया जाता है? रेड, ब्लू, ग्रीन या ब्लैक? इसका करेक्ट आंसर है रेड बैग होती है इन्फेक्शियस वेस्ट डिस्कार्ड करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज साइज ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज मेजर्ड इन. एवरेज साइज जो होती है पैथोजेनिक बैक्टीरिया वो किस में मेजर की जाती है? उसका यूनिट क्या होता है? मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या सेंटीमीटर? इसका करेक्ट आंसर है माइक्रोमीटर. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग आर क्लासिफाइड एज. माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग किस में क्लासिफाई किए जाते हैं? एनिमल्स, प्रोटिस्टा, प्लांट या ऑल ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है प्रोटिस्टा. माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग प्रोटिस्टा में क्लासिफाई किए जाते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोस्कोप्स आर यूज इन बैक्टीरियोलॉजी लेबोरेटरी एक्सेप्ट. सभी माइक्रोस्कोप यूज की जाती है सिर्फ एक माइक्रोस्कोप को छोड़ के बैक्टेरियोलॉजिकल लैब में, तो वह कौन सा है? कंपाउंड लाइट, फ्लोरेसेंस, इन्वर्टेड, डार्क फील्ड? ये सभी माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं, सिर्फ इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप बैक्टेरियोलॉजिकल लैब में यूज किया नहीं जाता. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द ग्लासवेयर यूज इन अ माइक्रोबायोलॉजी मीडिया रूम इज स्टरिलाइज इन. ग्लासवेयर जो माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज किए जाते हैं मीडिया के लिए, वो किससे स्टरिलाइज किए जाते हैं? ऑटोक्लेव, ग्लूटराल्डिहाइड, हॉट एयर ओवन या इंस्पायसेटर? इसका करेक्ट आंसर है हॉट एयर ओवन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कॉमनली यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में? माइक्रोटोम, HPLC, इंक्यूबेटर या ऑल ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है इंक्यूबेटर. इंक्यूबेटर कॉमनली यूज किया जाता है माइक्रोबायोलॉजी लैबोरेटरी में. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू कैन डू विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन लैबोरेटरी एरिया? आप कौन सी एक्टिविटी लैबोरेटरी एरिया में कर सकते हैं? ड्रिंकिंग बिहोरेजेस, ईटिंग वड़ा पाव, चिविंग गम या नन ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ अबव. इसमें से कोई भी एक्टिविटी आप लैबोरेटरी में नहीं कर सकते. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टिव बैरियर्स शुड बी यूज व्हाइल हैंडलिंग ब्लड इन लैबोरेटरी? जब हम ब्लड लैबोरेटरी में हैंडल कर रहे होते हैं तो कौन से प्रोटेक्टिव बैरियर हम यूज कर सकते हैं? मास्क, आई शील्ड, ग्लोव्स या ऑल ऑफ अबव? इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ अबव. ये सभी हम यूज कर सकते हैं, मास्क, आई शील्ड या ग्लोव्स सभी यूज कर सकते हैं जब हम ब्लड हैंडल करते हैं लैबोरेटरी.